आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जिन्होंने अपनी राजनीति यही शहर से एक काउंसिलर कर शुरू की, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, वो अध्यक्ष लोकमत मीडिया ग्रुप और पूर्व सांसद श्रीमान विजय दर्डा जी, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष और विधायक श्री बावन कुले जी, श्री राजेंद्र दर्डा जी, श्री देवेंद्र दर्डा जी, श्री ऋषि दर्डा जी, श्री करण दर्डा जी, श्री विजय बाविस्कर ग्रुप एडिटर लोकमत मीडिया ग्रुप, और आज यहाँ पर उपस्थित नागपुर के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, गणमान्य अतिथि, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज महाशिवरात्रि है। सबसे पहले लोकमत के इस मंच के माध्यम से मैं समग्र देशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस देश के जीवन में शिव शिव की भक्ति और शिव के गुण, इसको कभी कोई अलग नहीं कर सकता। मोक्ष की व्याख्या को सरल वाक्यों में हमारे ऋषियों ने बताया है, जीव से शिव का मिलन होते ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि शिव का व्यक्तिमत्व ही आदि योगी होने के साथ साथ निर्लिप्तता से भरा हुआ है, और जो निर्लिप्त होता है वो अपने आप मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ता है। इसलिए जीवन में शिव के गुणों को समाहित कर मोक्ष के रास्ते पर जाना हर व्यक्ति के जीव के कल्याण का रास्ता है। आज शिवरात्रि के दिन मैं सभी शिव भक्तों को, समग्र देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मैं लोकमत ग्रुप के मंच पर लोकमत के संस्थापक स्वर्गीय जवाहरलाल जी दर्डा, उनकी जन्मसती और लोकमत नागपुर की सुवर्ण जयंती, ये दोनों मौके पर मैं आया हूं। सबसे पहले मैं जवाहरलाल जी दर्डा को बहुत बहुत विनम्रता पूर्वक उनके आजादी के आंदोलन में योगदान, उनके राष्ट्र निर्माण और महाराष्ट्र के निर्माण में योगदान, और उनकी पत्रकारिता के बारे में एक आदर्श रखने का जो बहुत बड़ा काम जवाहरलाल जी ने किया है, उसके लिए उनको विनम्रता से मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उनका स्मरण भी करना चाहता हूं। विजय दर्डा जी ने मुझे बुलाया है लोकमत नागपुर की स्वर्ण जयंती का वर्ष है। कोई भी संस्था, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करती हो, स्वर्ण जयंती मनाती है तो ये तो स्वीकारना पड़ेगा कि संस्था के संचालकों में सत्व भी है, साहस भी है और सातत्य भी है। क्योंकि सत्व, साहस और सातत्य के बगैर कोई भी संस्था 50 साल तक
इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। और ये तभी होता है जब इसमें सातत्य का तत्व भी रखना पड़ता है। ये तीनों गुणों को एक साथ आत्मसात कर अपनी कार्य पद्धति बनाना, ये विशेषकर एक अखबार के लिए, एक ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और लोकमत की यात्रा को देखें तो मासिक से पाक्षिक, पाक्षिक से साप्ताहिक, साप्ताहिक से दैनिक, फिर अन्य भाषा में हिंदी भाषा में जाना, इसके बाद टीवी, दूरदर्शन, इसके साथ अब सोशल मीडिया का भी आगे बढ़ाना, ऑनलाइन संस्करण, ये सारी चीजें लोकप्रिय और लोकभोग्य बनानी है और पत्रकारिता धर्म को भी संभाल कर रखना है। ये बहुत कठिन काम है, इसलिए मैं विजय दर्डा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि मित्रों मैं बहुत कम आयु से सार्वजनिक जीवन में हूं। मैं पत्रकारिता धर्म संभालते हुए पत्रिका को लोकप्रिय बनाने रखना, और दर्डा जी है तो प्रॉफिट तो होता ही होगा, तो पत्रकारिता धर्म संभालना, पत्रिका को लोकप्रिय बनाना और मुनाफा भी कमाना, ये तीनों काम बहुत असंभव जैसे दिखते हैं। लोकमत समूह ने इसको बहुत अच्छे से किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं लोकमत समूह के अध्यक्ष को देना चाहता हूं। मित्रों आज जब मैं यहां नागपुर आया हूं तब महाराष्ट्र का पत्रकारिता के बारे में एक बहुत उज्जवल इतिहास रहा है। 1832 में मराठी पत्रकारिता के जनक बाल शास्त्री जंभेकर ने दर्पण नाम का प्रकाशन शुरू किया, और 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने केसरी शुरू किया। और केसरी ने न केवल महाराष्ट्र, समग्र देश के अंदर आजादी की चेतना को जागृत करने का काम किया, और बाल गंगाधर तिलक के विचार देश भर के युवा, महाराष्ट्र के युवा राह देखकर बैठते थे कि तिलक महाराज क्या कहना चाहते हैं। और इसी परंपरा से लोकमत जुड़ा हुआ है, क्योंकि तिलक महाराज ने ही दर्डा जी के प्रकाशन को लोकमत नाम देकर इसका नामकरण किया था। ये बहुत बड़ी बात है। और देवेंद्र जी ने जब कई सारी घटनाएं बताई, मैं नहीं जानता था इसको, मैंने दूर से लोकमत ग्रुप को देखा है। मैं थोड़े समय, मेरे जीवन के 2 साल पुणे में भी रहा हूं, कोल्हापुर मेरी ससुराल है, और सार्वजनिक जीवन में महाराष्ट्र आता जाता हूं, लोकमत पढ़ता हूं, मगर उन्होंने बाबूजी के लिए जो चीजें कही, जीवन में स्टैंड लेने के टाइम पूरे जीवन में 2 या 3 बार ही आते हैं और वो क्षणिक होते हैं। जिस वक्त व्यक्ति को स्टैंड लेना है कि मुझे मेरे लिए सोचना है या सिद्धांतों के लिए सोचना है, और वो क्षण व्यक्ति को महान बनाता है, वो क्षण व्यक्ति को अमरत्व देता है, और वो क्षण सोच समझ कर नहीं, इसका सामना सोच समझ कर नहीं किया जा सकता, इसका सामना मन से किया जाता है। जो हम व्यक्ति के संस्कार होते हैं, जो व्यक्ति की मान्यताएं होती हैं, व्यक्ति के सिद्धांत होते हैं, वही वो क्षण को उसका सामना करते हैं। इंदिरा जी को हम सब जानते हैं, उनके स्वभाव को भी जानते हैं। इंदिरा जी के सामने ये स्टैंड लेना और अपने तंत्री का बचाव करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
और ऐसी घटनाएं ही बाबूजी जैसी व्यक्ति को आगे बढ़ाती है और उनको अमरत्व देती है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जब समाज जीवन के अंदर थोड़ी लूजनेस आती है तो पतन सभी चीजों का होता है। ये पतन को, इस लखन को हमने भी देखा है, हर क्षेत्र में है, मगर लोकमत ने अपने सिद्धांतों के आधार पर ही आगे अपनी यात्रा की और यहां तक पहुंचा है। मैं इसलिए फिर से एक बार विजय दर्डा जी और उनकी पूरी टीम जो यहां पर बैठी है, इनके तंत्री महोदय को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप आपकी ये यात्रा बहुत लंबे समय तक चालू रखिए और महाराष्ट्र और देश के वाचकों के लिए सच्ची बात पहुंचाते रहे, ये मेरी शुभकामना है। मित्रों, बाबूजी ने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लगभग 2.25 साल की जेल की यात्रा भी की, और सुभाष बाबू की आजादहिंद फौज का 1944 में यवतमाल में स्थापना ब्रांच का स्थापना करने का भी काम किया। और इसके साथ साथ आजादी के बाद राजनीति में रहते हुए एक अच्छी पत्रिका कैसे समाज जीवन को दे सकते हैं, इसके लिए इसके उच्च मानांकों को घड़ने का काम किया। जो संस्थापक होते हैं उनको संस्था के लिए मानांक बनाने होते हैं, जो संस्थापक होते हैं उनको संस्था को चलाने के लिए सिद्धांत बनाने होते हैं, जिसको आप अभी की भाषा में कहें तो चार्टर लिखा जाता है। मगर बाबूजी ने, मैं नहीं मानता कोई लिखित चार्टर छोड़ा होगा, अपने जीवन के कर्तृत्व से ही लोकमत के नीचे पत्रकार तक चार्टर को उन्होंने व्याख्यायित कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है और सीखने जैसी बात। आज भी हम यहां पर जब स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, बाबूजी की जन्मशती पर हम सबको बुलाया है, अखबार चलता है तो दर्डादी जैसे व्यक्ति होते हैं तो मालिक की बहुत प्रसिद्धि होती है, ज्यादा लिबर्टी ले ले तो तंत्री की होती है, मगर अखबार चलाने के लिए बहुत बड़ा यत्न चाहिए, बहुत बड़ा प्रयास चाहिए। विजय दर्डा जी ने आज अखबार चलाने के लिए जितने भी अंग उपांग थे वो सभी क्षेत्रों में काम करने वाले इनके सहकर्मियों को, इनके साथियों को चुन चुन कर सम्मान कर एक बहुत अच्छी परंपरा स्थापित। जैसे कोई फिल्म होता है तो सबसे ज्यादा आजकल के जमाने में तो कोई ज्यादा मीमांसा नहीं करता है, लोकप्रियता एक्टर की होती है, एक्ट्रेस की होती है, बहुत ज्यादा होगा है तो डायरेक्टर की होती है। इसका आर्ट डायरेक्टर कौन है कोई नहीं जानता, इसके म्यूजिक डायरेक्टर को 5% लोग भी नहीं जानते हैं, इसकी फोटोग्राफी किसने करी कोई नहीं जानता, एडिटिंग किसने किया कोई नहीं जानता। इसी तरह से अखबार चलाने के लिए ढेर सारे यंत्रणा होती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपके निमंत्रण में इसका मैंने जिक्र देखा कि यंत्रणा के सभी अंग उपांग का सम्मान अजाप कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार लोकमत समूह को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि ग्रुप जो बनता है, एक टीम बनती है, और जो टीम लीडर होता है उसने पूरी टीम का सम्मान करने का कौवत नहीं है तो टीम का विश्वास कभी अर्जित नहीं कर सकता है। अगर टीम का सम्मान करने का कौवत है, भावना है और इस प्रकार की संवेदना है, तभी जाकर वो एक पूर्ण टीम लीडर बन सकता है, लोगों का भी विश्वास जीत सकता है, अपनी टीम का भी विश्वास जीत सकता है। मैं आज जिन जिन लोगों को
पूरे जीवन के योगदान के कारण यहां सम्मानित किया, वो सभी वरिष्ठ साथियों को मैं बहुत मन के साथ प्रणाम करता हूं कि 50 साल तक काम करना ये बहुत बड़ी बात होती है। मित्रों, आज जवाहरलाल जी द्वारा लगाया गया एक बीज वट वृक्ष बना है। लोकमत भारत में हर रोज 2.25 करोड़ पाठकों के हाथ में जाता है। देश का छठा सबसे बड़ा अखबार है, महाराष्ट्र और गोवा में एक नंबर का अखबार है। लोकमत टीवी चैनल महाराष्ट्र, गोवा और दिल्ली के 6 करोड़ से ज्यादा दर्शक देखते हैं और अब डिजिटल मीडिया में भी इसने पदार्पण किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब नागपुर के सभी सुज्ञजनों को, गणमान्य लोगों को एक बात करने आया हूं कि वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को एक सरकारी कार्यक्रम नहीं माना, ना सरकारी कार्यक्रम बनने दिया। देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को 130 करोड़ की जनता का कार्यक्रम बनाने का काम किया है और हर स्कूल में, हर कॉलेज में जहां नई पीढ़ी आकार लेती है, इसके मन पर आजादी के अमृत महोत्सव की एक अमीट छाप छोड़ने का काम ये 1 साल के अंदर हुआ है जो आज भी जारी है। मोदी जी ने इसके लिए 3 लक्ष्य रखे थे। एक, आजादी के संग्राम से हमारी नई पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे किशोर ढंग से जानकारी प्राप्त करे और गौरव ले कि इस देश को जिस प्रकार से आजादी मिली इसके लिए इतने इतने महापुरुषों ने अपना जीवन का बलिदान दिया है। 1857 से 1947 के 90 साल का यह संघर्ष शायद ही किसी देश ने ऐसा संघर्ष करा होगा। और कहा जाता था ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता, वो सूरज को अस्त करने का काम भारत ने किया और उसके बाद समग्र विश्व के अंदर शुरू हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव का पहला लक्ष्य था कि हमारे जाज्वल्यमान, हमारे स्वयं प्रकाशित आजादी के संघर्ष को हमारे किशोर, हमारे युवा, हमारे बच्चे जाने और इसके आधार पर अपने जीवन को गढ़ने की संकल्पना करे, संस्कार प्राप्त करे। दूसरा लक्ष्य था, हमने इस 75 साल में बहुत कुछ प्राप्त किया है। देश सुई नहीं बनाता था, सुई भी हमें आयात करनी पड़ती थी और आज हम चंद्र पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं, ये बहुत बड़ी प्रगति है। जब देश को आजादी देने की बात आई तब इंग्लैंड के अंदर बैठकर विद्वान पंडित चर्चा करते थे कि देश कितने महीनों तक टिकेगा, देश बिखर जाएगा। आज मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, हमने हमारे देश में लोकतंत्र की नींव को पाताल जितनी गहरी कर मजबूती प्रदान की है। अनेक परिवर्तन राज्य और देश के चुनाव में हुए, कभी एक बूंद खून का कतरा भी नहीं बहा, ये देश ने लोकतंत्र को आत्मसात किया है। और 75वें साल में दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में वही इंग्लैंड जिसने 150 साल तक हम पर शासन किया उसको दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में से 5वें नंबर पर से हटाकर भारत 5वें नंबर पर आया, ये बहुत बड़ी सी। हमने किसी भी प्रकार के अहंकार के बगैर ये 75 साल में अपने पुरुषार्थ, प्रजातीय पुरुषार्थ से दुनिया के सामने अपने आप को सिद्ध किया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का विज्ञान हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना हो, चाहे डिफेंस इंडस्ट्री को, दुनिया भर की डिफेंस इंडस्ट्री को
भारत में लाना हो, चाहे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी हो, चाहे वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार के साथ समग्र दुनिया के मदद में खड़ा रहना हो, चाहे वैज्ञानिकों के अनुसंधान से देश को आगे बढ़ाना हो, चाहे टेक्नोलॉजी को गांव तक इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को आत्मसात करते हुए लोगों की सुविधाएं बनानी हो, चाहे 60 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना हो, हर क्षेत्र में ये 75 साल में भारत ने बहुत कुछ सिद्ध किया है और हम सब के लिए, हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। था 75 साल की सिद्धियों को लोगों के सामने रखना और इससे एक आत्मविश्वास से भरा भारत की रचना करना। और मोदी जी ने तीसरा लक्ष्य रखा है, 75 साल से 100 साल जब देश की शताब्दी मनाई जाएगी तब भारत कैसा होगा, ये कल्पना भी उन्होंने हमारे सामने रखी है। उन्होंने रखा है व्यक्ति के लिए सर्वप्रथम भारत, मतलब हमारे लिए भारत प्रथम और दुनिया में भारत हर क्षेत्र में प्रथम, ये हमारा लक्ष्य है। हर क्षेत्र के अंदर भारत प्रथम हो, ये लक्ष्य के साथ ये 25 साल आगे बढ़ना है और ये 25 साल को अमृत काल का नाम दिया है और अमृत काल ये संकल्प से सिद्धि के 25 साल है। हर क्षेत्र में हमने संकल्प करना है, हर व्यक्ति ने एक संकल्प करना है और उस संकल्प को सिद्ध करते हुए 25 साल में भारत को दुनिया में सर्वप्रथम बनाना है, जिसके लिए हमारे आजादी के संग्राम के अंदर लोगों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। जिस भारत की कल्पना खुदीराम बोस और भगत सिंह ने की होगी, जिस भारत की रचना के लिए तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने अपने जान दिए होंगे, वो भारत की रचना करने का काम, इसका संकल्प इस वर्ष लेकर 25 साल पूरे लोग एक ही दिशा में, एक मन, एक दिशा और एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़े, इसको हमने अमृत काल का नाम दिया है। मित्र मोदी जी ने ये तीन लक्ष्य हमारे सामने रखे, तीन उद्देश्य से आजादी का अमृत महोत्सव बनाया है और 8 साल में, 9 साल होने को आए, 8.5 साल में देश ने इसमें से काफी कुछ कर लिया है। जिस देश के लिए कहा जाता था कि अगर हम आपको रक्षा के उपकरण नहीं देंगे तो आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते हो, वो देश आज 70% आत्मनिर्भरता के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। पूरे विश्व में मेक इन इंडिया के स्वप्न को साकार करते हुए उत्पादन का, मैन्युफैक्चरिंग का हब आज भारत बनने जा रहा है। पूरी दुनिया चकाचौंध हो गई जब कोरोना का कालखंड आया, फिर एक बार पश्चिम के सारे पंडित चर्चा करते थे बाकी सब तो हो जाएगा, यूरोप में हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा, भारत का क्या होगा, इनकी हेल्थ व्यवस्था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। हाँ, उनकी बात सही थी, उनकी कंपैरिजन में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, परंतु मोदी जी ने कोरोना की लड़ाई को सरकार की लड़ाई नहीं बनाया, एक पार्टी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की लड़ाई नहीं बनाया, उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोगों को जोड़कर कोरोना की लड़ाई को जनता की लड़ाई बनाया और विजय प्रस्तापित की, विजय प्राप्त। कोई कभी सोच नहीं सकता किसी गैजेट के नोटिफिकेशन के बगैर 130 करोड़ लोग जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे। आज भी कई विदेश के पत्रकार मुझे मिलते हैं तो पूछते हैं व्हाट इज जनता कर्फ्यू, उनको समझ में ही नहीं आता है। जब मैं समझाता हूं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, 130 करोड़ लोगों में नेता के एक शब्द पर इतना बड़ा संयम कि कोई घर के बाहर नहीं निकला, ये बहुत बड़ी बात है। एक जमाना था जब शास्त्री जी ने कहा था शनिचर को चावल खाना छोड़ दो, पूरे देश ने छोड़ा था, उसके बाद दूसरा नेता आया है जिसके कहने पर पूरा देश शिस्त के साथ
लोगों के हित में खड़ा होगा। जब विश्व में सबसे पहले और सबसे अच्छी वैक्सीन बनाने वाले देशों में भारत शामिल हो गया, तब भी ये पश्चिम के पंडित, मैं तो देखता रहता था बहुत बारीकी से, क्योंकि मैं भी बीमार था तो कंप्यूटर के अलावे कोई सहारा नहीं था, वो चर्चा करते थे वैक्सीन तो बन गया, देंगे कैसे। मैं कई लोगों को जानता हूं, अमेरिका में वैक्सीन देने के बाद 6 महीने तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, हमने 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया और 15 सेकंड में मोदी जी की हस्ते फोटो वाली एक वैक्सीन को इसके मोबाइल पर सर्टिफिकेट को दे, और कोविन ऐप को विश्व के कई देशों ने स्वीकार किया, अर्थ जगत के कई पंडित चर्चा करते थे बहुत बड़ी मंदी आएगी। हाँ आई ना, जरूर आई, मगर भारत वो मंदी से बाहर रहा क्योंकि हमने सही अर्थनीति को अपनाया। लोग कहते थे लॉकडाउन कर दिया, जब तक वैक्सीन नहीं मिली लॉकडाउन किया, क्योंकि लोगों की जान बचाना जरूरी था, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं बढ़ता है ये करना जरूरी था, परंतु लॉकडाउन जब रहा तब लोग क्या खाएंगे। 60 करोड़ लोगों की आबादी ऐसी है जो हर रोज कमाकर हर रोज खाते हैं, उनकी रोजगारी पर गंभीर असर पड़ा। नरेंद्र भाई ने हमारे अनाज के गोडाउनों के दरवाजे खोल दिए, 2 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने, 2 साल तक। जब ये आंकड़ा सुनते हैं ना तो कम कमी आ जाती है पश्चिम के पंडितों को, 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त में अनाज देने की साहस वो कर नहीं सकते, मगर जब मन में गरीब के प्रति, मन में भारत के नागरिक के प्रति संवेदना होती है तो फैसले फाइलों पर नहीं लिए जाते हैं, मन से और दिमाग से लिए जाते हैं, तब जाकर इस प्रकार की लड़ाई होती है। और दूसरी लहर में मैं साक्षी हूं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 10 टाइम हो गई थी, पूरे देश के उद्योगपतियों को साथ में लेकर सबने अपने कारखाने बंद कर दिए और सबने ऑक्सीजन को लोगों की जान बचाने के लिए भेजा, रातों रात सेना, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सारी पुलिस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में लगी, वायुसेना का भी उपयोग किया, रेलवे का भी उपयोग किया, और वो संकट से भी हम बाहर आ गए और आज हर अस्पताल को ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसमें से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का भी सीख लिया और इसको 60,000 करोड़ रुपये से हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। मैं एक ही उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं मित्रों कि सरकार जब जनता की सोचकर चलती है, सरकार जब देश की सोचकर चलती है, तब फैसला लेने में तनिक मात्र भी देर नहीं है। मैं आपको कहता हूं ये सरकार ने कटु से कटु फैसले लिए हैं, किसी भी समर्पित नेता की हिम्मत न हो ऐसे कटु फैसले लिए। कभी भी मोदी सरकार ने लोगों को अच्छा लगे ऐसा फैसला नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया, मगर लोगों के लिए अच्छा हो ऐसे फैसले बहुत लिए हैं। लोगों को अच्छा लगे ऐसे फैसले लेना बहुत सरल होता है, मगर लोगों के लिए अच्छा हो, मरग कटु हो, एक विनाइन की गोली देने का काम कुछ ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि वोट लेना है फिर भी जनता भरोसा करती है और एक के बाद एक चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में हम जीतते आ रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है हाइड्रोजन के उत्पादन में। आज भारत 2-3 साल में, हमारा हाइड्रोजन नीति जो आया है 2-3 साल में हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे। सोलार अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में आना और बिन परंपरागत ऊर्जा को विश्व के अंदर लीडर बनना, अंतरिक्ष की नई पॉलिसी बनाकर 4-5 साल में ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हम आगे आ जाएंगे। हमारे स्टार्टअप दुनिया में धमक बनाए हुए, कई सारे युवा
इससे मल्टी मिलियनर भी बन गए और स्टार्टअप के क्षेत्र में आज भारत के युवाओं का बहुत बड़ा धमक है दुनिया के अंदर। ये सारे काम इसलिए हो पाते हैं कि लक्ष्य एक ही है, भारत सर्वप्रथम, दुनिया में भारत सर्वप्रथम। ये लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए ये आजादी का अमृत महोत्सव है और इसको सिद्ध करते करते हम बहुत आगे निकल गए हैं। मित्रों, हमने कभी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं की। मोदी जी के सत्ता में आने से पहले आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से तीन बड़े हॉटस्पॉट थे, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद वाला क्षेत्र जो महाराष्ट्र से विदर्भ से भी सटा हुआ है। एक जमाने में यहीं पर भी था, यहां पर भी था। मैं आज कह सकता हूं कि तीनों क्षेत्र में आज हिंसा में 80% कटौती करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में। जब धारा 370 हटी तब पार्लियामेंट में भाषण करते थे, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाना के भी चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई भाई। पथराव होते थे, जुलूस निकलते थे, सब अदृश्य हो गया। अब थिएटर चलने लगे, रात्रि के शो होने लगे। 1,80,00,000 यात्रियों ने कश्मीर में एक साल के अंदर कश्मीर का मुलाकात किया है। बहुत बड़ी बात है भाई। 70 साल में 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, ये 3 साल के अंदर 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। कश्मीर के अंदर हर घर में जल से नल पहुंच गया, नल से जल पहुंच गया। हर घर के अंदर सर्दियों में भी, कड़ाके की सर्दियों में भी, अब वहां सगड़ी नहीं लगानी पड़ती है, बिजली पहुंच गई और हीटर भी दे दिया गया। मित्रों, बहुत बड़ा परिवर्तन है। और जो हुर्रियत कभी भारत सरकार को नचाती थी, वो हुर्रियत पर बैन कर उसके कार्यालय को सील कर दिया गया। किसी की हिम्मत नहीं है कुछ करने। वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्रों में भी उच्चतम स्तर पर 160 जिले थे, आज नए बने हुए जिले गिने तो 46 है और पुराने जिले जब उच्चतम स्तर पर थे वो गिने तो सिर्फ 22 जिले बचे हैं। हर एक प्रकार की वामपंथी उग्रवादियों की हिंसा में 80% की एवरेज कमी हुई। बिहार और झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह लगभग वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। एक छोटा सा मैदान बचा है जहां हमारे पैरामिलिट्री फोर्स वाले लड़ रहे हैं। मैं विश्वास से कहता हूं वहां पर भी जंग भारत ही जीतेगा। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के अंदर इंसर्जेंसी ग्रुप थे, हजारों युवा बम धमाके हाथ में ऑटोमेटिक वेपन्स लेकर भारत के खिलाफ विद्रोह करते थे। ये 3 ही साल में नॉर्थ ईस्ट में हिंसा 90% समाप्त हो गई। राहुल गांधी जी कहते थे अब सपा हटा लो, हमने ना बोला था। जब तक इंसर्जेंसी है सेना के जवानों को कानूनी समर्थन मिलना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। मगर हमने अब सपा हटा लिया क्योंकि अब वहां शांति है। 60% नॉर्थ ईस्ट से आज अपसपा हटा लिया है, वहां शांति हो गई, अब अपसपा की जरूरत ही नहीं है, लोकल पुलिस चलाती है वहां पर। और मित्रों, 8,000 से ज्यादा युवा हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत आगे बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि मोदी जी ने जो कल्पना हम सबके सामने रखी है कि 2047 में हम में से शायद कई लोग नहीं होंगे 2047 में, मगर जो होंगे वो यशस्वी भारत का नेतृत्व करते होंगे, सबसे पहले नंबर का भारत का नेतृत्व करते होंगे। ये नींव डालने का काम अभी समाप्त हो चुका है, अब संकल्प से सिद्धि का। मैं आज इस सभागार में बड़े बड़े लोग आए इनको भी कहता हूं, हमने व्यक्तिगत जीवन में भी एक संकल्प,
और 25 साल तक वो संकल्प का पूर्ति करना चाहिए। छोटा सा भी बच्चा संकल्प लेता है कि मेरी भोजन की थाली में जूठा अनाज नहीं छोड़ूंगा, मैं घर से कमरे से बाहर निकलने से पहले लाइट स्विच ऑफ कर दूंगा, मैं हर रोज घर से निकलते वक्त माता पिता के पैर छू कर जाऊंगा, मैं कभी ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन नहीं करूंगा। 130 करोड़ संकल्प, छोटे छोटे संकल्प, इस संकल्प का संपुट देश को महान बनाता है। अगर 130 करोड़ लोग एक कदम आगे आते हैं तो देश 130 करोड़ कदम आगे आता है, ये हमारी ताकत है। और सभी लोगों ने मोदी जी के इस आह्वान को स्वीकारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आज यहां पर मुझे बुलाया, साच अर्थ में मैं फिर से सहकर्मियों का जिस भाव के साथ लोकमत समूह ने स्वागत किया है, सम्मान किया है, उनकी कर्मठता की अनुमोदना की है, एक्नोलेज किया है, मैं इसके लिए मन से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप पत्रकारिता धर्म को, जिसको बाबूजी ने आपके लिए एक शिलालेख की तरह रखा है, इसको आप आगे बढ़ाते रहिए, देश की सेवा करते रहिए। यही शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।